हेलो गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल और आज मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने एक वेब डेवलपमेंट पर सीरीज बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि कैसे एक HTML को अपन को सीखना होता है, उसके बाद में CSS सीखना होता है, उसके बाद में एक जावास्क्रिप्ट सीखनी होती है। तो वो पूरा एक प्रोसीजर रहता है वेब डेवलपमेंट का। वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले वो वाली वीडियो देख लो। तो उसी के साथ हम HTML से शुरुआत करूंगा। तो HTML का एक कोर्स मैं यहाँ पर लॉन्च करने वाला हूँ। 10 से 15 वीडियोस में कोशिश होगी यार उसको खत्म करने की, और जल्दी से जल्दी HTML को समाप्त करेंगे। बहुत ही एक इजी टिप्स एंड ट्रिक की वजह से अपन उनको समझेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ रटना नहीं पड़े हमें, ठीक है, ऐसा करेंगे। तो बस वही है। और एक इससे क्या, हम एक पास स्किल आएगी एक वेब डेवलपमेंट की। तो कल को हम फ्रीलांसिंग में कुछ करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग भी हम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और समहाउ एक थोड़ी सी पॉकेट मनी भी हम ले सकते हैं। प्लस हमारे प्लेसमेंट्स में भी ये काम में आता है। तो बने रहिए यार, इस वीडियो में एक कोर्स लॉन्च होने वाला है वेब डेवलपमेंट के ऊपर। जैसा कि हमने बात करी थी कि मैं एक HTML का कोर्स यहाँ पर लॉन्च करने वाला हूँ। तो HTML के कोर्स के लिए यार, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये पूरा एक वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स अपन को ले रहे हैं। बेसिकली एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है कि शुरुआत में आपको किन किन चीज़ों की जरूरत होगी। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं शो करता हूँ। ये वाला बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू मेक अ वेबसाइट। तो इस वीडियो में यार मैंने बताया था कि आपको पहले एक डोमेन नेम परचेज करना होगा, उसके बाद में एक होस्टिंग लेनी होगी। ये तो पहले कुछ स्टेप्स है। तो ये वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हमें कुछ क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो पहले आपको एक डोमेन नेम खरीदना होगा, होस्टिंग कैसे होगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको वो बता दूंगा कि डोमेन नेम और होस्टिंग कहाँ से खरीदनी होगी, ठीक है। तो इसके बाद में हमें तीन बेसिकली तीन लैंग्वेजेस यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें सीखनी होती है। तो सबसे पहले हमें HTML पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद में हमें CSS पढ़ना होता है और उसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट। तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन मैंने इस वीडियो में कराया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले हमें ये तीन चीजें सीखनी होगी वेब डेवलपमेंट के लिए। तो अब दूसरा स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद हमें कुछ टेक्स्ट एडिटर या IDE चाहिए होते हैं जिसमें हम कोड कर सकें, ठीक है। तो एक कुछ हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर तो हमें चाहिए होगा ना, जिसमें हम कोड को कर सकें। तो उसके लिए कुछ कोड्स होते हैं, जैसे कुछ एडिटर्स होते हैं, जैसे ये एटम है, ठीक है। तो ये काफी एक एडवांस लेवल का है। बहुत सारे जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो इसे यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर काफी सारे हमें प्लगइन्स मिल जाते हैं, प्लस कम्युनिटी सपोर्ट आपको काफी अच्छा एटम में मिलता है। तो जो एडवांस लेवल के होते हैं वो इसे ज्यादातर यूज करते हैं। और दूसरा है एक सबलाइम टेक्स्ट। तो सबलाइम टेक्स्ट भी यार काफी अच्छा टेक्स्ट एडिटर है, काफी लोग इसे यूज करते हैं, पर बेसिकली मैं इसे अभी यूज नहीं करता, ठीक है। काफी ऑफेंड मत होना यार अगर कोई यूज करता है तो। ये बिल्कुल आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको चार बता रहा हूँ। पहला एटम हो गया, दूसरा सबलाइम टेक्स्ट हो गया, तीसरा हो गया ब्रैकेट, और वही हम इस कोर्स में यूज करेंगे। तो यही वाला आपको डाउनलोड करना है अगर आप इस कोर्स को फॉलो करोगे तो। आप दूसरा भी कर सकते हो, कोई सा भी। आप इसमें से चारों की लिंक मैं दे दूंगा, आप कोई सा भी कर सकते हो, पर जो मैं यूज करूंगा कोर्स में वो ब्रैकेट यूज करूंगा। अब इसका रीजन क्या है ब्रैकेट का यूज करने का, तो वो रीजन ये है कि बिगनर के लिए काफी एक अच्छा टूल है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर एक एडिटर आपको खुल जाएगा, प्लस पास में आपकी क्रोम की स्लाइड खुल जाएगी। तो आप यहाँ पर जो भी कोड करोगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। तो एक लाइव प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। तो अभी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं अभी धीरे धीरे समझाऊंगा। और इस कोर्स में यार काफी आसानी से आपको चीजें समझ में आएगी। कोडिंग इतनी कोई टफ चीज लगेगी नहीं, ठीक है। और कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिख कर रख लो, ठीक है। जब यूज करना है तो देखो और लिख के रखो, तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी तो उसमें आप आराम से कोड कर सकते हो। तो ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, लिख कर रख लो, ठीक है। मैं भी यही करता हूँ, रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वेबसाइट बनाते हैं यहाँ पर, कोई एग्जाम नहीं चल रहा हमारा कि हमें एग्जाम, हमें बस वेबसाइट बनानी है, क्लाइंट को देनी है, ठीक है। तो एग्जाम नहीं हमारा, ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं। चौथा है यार ये विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसे भी आप यूज कर सकते हो, पर मैं इसमें से कुछ भी यूज नहीं करता, मैं ब्रैकेट करता हूँ और उसका रीजन मैं अभी आप बताऊंगा, ठीक है। पहले हम इसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर सिर्फ सिंपली डाउनलोड करना है, लिंक मिल जाएगी यार डिस्क्रिप्शन। तो ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को अब हम इंस्टॉल करते हैं जल्दी से।
जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको समझा दूँ। ब्रैकेट यार काफी अच्छा टूल है, अगर आप बिगिनर हो तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि ब्रैकेट से ही यूज करो, ठीक है। अगर आप सप्लाइम टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज मैंने एक बताया था कि डोमेन और होस्टिंग हमें खरीदनी होती है, तो डोमेन और होस्टिंग हमें खरीदनी होती है, ठीक है, पर आप उसे बाद में भी खरीद सकते हो। कहाँ से खरीदनी है वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, पर आप उसे बाद में भी खरीद सकते हो। पहले हम कोडिंग करके पूरी वेबसाइट बना लेंगे, उसके बाद में आप होस्टिंग में आपको मतलब कहीं होस्ट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वेबसाइट बना ली वो तो अभी आपके कंप्यूटर में, ठीक है। अब आपको उसको लाइव इंटरनेट पे डालनी है तो आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। कहाँ से खरीदनी है वो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। वो पहले आप एक वेबसाइट डिजाइन कर लेंगे, उस वेबसाइट डिजाइन करने के बाद में हम वो चीज हम उसको होस्ट करेंगे। वो चीज आप बाद में भी कर सकते हो, डोमेन नेम होस्टिंग बाद में भी परचेस कर सकते हो, पहले भी परचेस कर सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। तो ब्रैकेट यार सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये है हमारे एक टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। इसमें हेलो एचटीएमएल आता है, प्लस एक इंडेक्स फाइल है। ये आगे वाले लेक्चर्स में कवर होगा कि ये सब चीजें क्या होती है, ये इंडेक्स फाइल क्यों जरूरी होती है, तो ये सारी चीजें आगे वाले लेक्चर में पता चलेगा। पर मैं जो आपको यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ब्रैकेट यूज करने का फायदा क्या है, और दूसरे एडिटर से मैंने इसको क्यों चूज किया है और क्यों ये बिगनर्स के लिए बेस्ट है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जस्ट लाइव प्रीव्यू हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे, यहाँ पर लाइव प्रीव्यू आ गया। अब इसके लिए आपको एक क्रोम की जरूरत पड़ेगी, क्रोम ब्राउजर पे ये काम करेगा, ठीक है। ये जो लाइव प्रीव्यू सपोर्ट करता है ब्रैकेट, वो क्रोम ब्राउजर पे करता है। तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आप जो भी इसमें भी आप यूज कर रहे हैं उसमें एक क्रोम ब्राउजर भी होना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पर आपको शो करके दिखाता हूँ कि लाइव प्रीव्यू का मतलब है क्या। जैसे मैंने ये कोई सैंपल फाइल खोल ली, ठीक है। अब देखना यहाँ पर मैं जो भी चीज लिखूंगा उसका रिफ्लेक्ट, मतलब यहाँ पे जो भी मैं कोड करूंगा उसका जो रिजल्ट होगा वो इस वाली विंडो पे शो हो जाएगा। मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा, ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैं टाइप कर रहा हूँ, जो ब्रैकेट की कोडिंग में मैं जो टाइप कर रहा हूँ, वो यहाँ पर देखो रिफ्लेक्ट होता जा रहा है और ये यहाँ पर टाइप होता जा रहा है। तो बस ये यही चीज है कि मैं इसे पर्सनली पसंद करता हूँ, क्योंकि ये एक बिगिनर के लिए काफी अच्छा टूल है। उसको उसको पता होता है कि जो आप कोड कर रहे हो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, उसको वो यहाँ पर साइड में दिखता रहता है। तो एक बिगिनर के लिए काफी एक अच्छा टूल है, इसलिए मैं इसको लाइक करता हूँ, क्योंकि काफी एक अच्छी चीज है बिगिनर के लिए।